नमस्कार, आर एन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर तारीफ की है। साथ ही नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अमित शाह ने अपनी राय रखी और विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। इस अवसर पर कांग्रेस और उसके साथी ओछी राजनीति कर रहे हैं, नए संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं आज कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार से कुछ नहीं होता है। देश की जनता और जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन कर आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया, उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की ये विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो दो बार दो तिहाई बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने, नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस पक्ष विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। और सुप्रीम कोर्ट में आज संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की याचिका पर सुनवाई की जानी है। एडवोकेट जया सुखन ने गुरुवार को यह याचिका लगाई थी और याचिका में यह कहा गया था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, ऐसे में उन्हें नई संसद के इनॉग्रेशन में न बुलाना राष्ट्रपति पद का अपमान है। इस मामले में लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है और यहां पर कांग्रेस समेत 20
दल ऐसे हैं, 20 पार्टियां ऐसी जिन्होंने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। अब विपक्ष का यह कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराना, ये जो निर्णय है वो न केवल गंभीर अपमान है बल्कि ये लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। वहीं भाजपा समेत 25 पार्टियां ऐसी हैं जो उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। और राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने से जुड़ी याचिका पर आज कोर्ट में जो है सुनवाई होगी, दूसरे दिन की सुनवाई होगी आज। और इससे पहले 24 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को नया पासपोर्ट देने के लिए एनओसी की मांग का विरोध किया था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर राहुल को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही पेंडिंग नहीं है और ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार है। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को 2015 में जमानत दी थी। बता दें कि तब कोर्ट ने उनके ट्रैवल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि ये मामला 2018 से पेंडिंग है। इस दौरान राहुल गांधी कई बार विदेश गए हैं, उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं कही, कोई आशंका नहीं है और ट्रैवल करना उनका मौलिक अधिकार है। और दिल्ली में कल रात हुई तेज आंधी और बारिश की वजह से हर तरफ अफरा तफरी है। एक तरफ जहां राजधानी का पारा गिरा तो वहीं जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की रात काली हो गई। तेज आंधी ने बीते एक महीने से अधिक समय से चल रहे जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का जो टेंट है उसे उखाड़ दिया है। बारिश से उनके गद्दे भीग गए हैं और अपनी इस असुविधा का जिक्र साक्षी मलिक ने अपने एक ट्वीट में किया है, जहां उन्होंने अपने समर्थकों से ये तस्वीरें साझा की और साथ ही एक वीडियो साझा की गई है। आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने ये ट्वीट किया है, देर रात को ये ट्वीट किया गया, जहां उन्होंने लिखा कि बारिश और आंधी से आज हमारा टेंट उखड़ गया है। आज रात हमें गीले गद्दों पर सोना पड़ेगा, लेकिन हमने बचपन से कठिनाइयां देखी हैं, ये मुश्किल रात भी कट जाएगी। अब सभी को हम सब जंतर मंतर पर बैठे हुए पहलवानों की तरफ से शुभ रात्रि। ये ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं जहां पर साक्षी मलिक ने साफ तौर पर यहां पर कह दिया है कि उन्हें मुश्किलों से लड़ने की आदत है, बचपन से मुश्किलों का सामना करते आए हैं और ये रात भी कट जाएगी। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की तरफ से शुभ रात्रि। दरअसल आपको बता दें वो आपको झलक दिखाते हैं जो साक्षी मलिक ने वीडियो पोस्ट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तेज बारिश और आंधी की वजह से टेंट उखड़ चुका है। तमाम जो पहलवान और जो प्रदर्शनकारी हैं किसी तरह उन्होंने टेंट को संभाला हुआ है और उसके नीचे वो बैठे हुए हैं। गद्दे पूरी तरीके से भीग चुके हैं, यहाँ पर बैठने और सोने की अब कोई व्यवस्था नहीं रह गई है और इस बीच पानी भी जगह जगह पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में जहाँ पर पुलिस के बैरिगेट्स भी हैं। कई पहलवान ऐसे हैं जो रात देर रात को यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, लेटने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही क्योंकि गद्दे गीले हो चुके हैं। आंधी और बारिश लगातार जारी रही और इसी वजह से साक्षी मलिक ने भी इस बीच एक ट्वीट कर दिया। दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग की ताजा रिपोर्ट एलजी के पास पहुंचने के बाद से सीएम आवास विवाद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। विभागीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके सरकारी आवास निर्माण पर करीब 45 करोड़ नहीं बल्कि 52 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की ओर से एलजी विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंप दी गई है। तथाकथित मामले में रिपोर्ट सौंपी गई है जहां पर इस बात का जिक्र है, लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से सतर्कता अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करीब 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए हैं निर्माण पर और 33.49 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के लिए एक कैंप कार्यालय पर 19.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि 19 करोड़ 22 लाख के आसपास रुपए खर्च किए गए हैं सीएम के कार्यालय पर। और दिल्ली सरकार विशेष सचिव सतर्कता YBVJJ और चंद्रशेखर की तरफ से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे 12 मई को उपराज्यपाल को सौंपा गया था। इसके एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के मामले में फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार के हक में दिया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक PWD ने शुरू किए गए अनुमान में शुरुआत में अंदाजा लगाया था कि निर्माण पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 8 करोड़ 61 हजार रुपए जो हैं
पहले टेंडर पर 20 अक्टूबर 2020 को दिया गया था। इसमें नए भवन के निर्माण का जिक्र नहीं था। इसमें यह भी बताया गया कि वित्त विभाग के 2020 के एक आदेश के खिलाफ कोविड-19 महामारी के दौरान निर्माण कार्य कराया गया था, जबकि आदेश में केवल आपातकालीन प्रकृति के व्यय की इजाजत थी। इन मोहल्ला क्लिनिक्स में आज तक इलाज। और उत्तर प्रदेश इन दिनों देश भर में खिलाड़ियों का संगम बन गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में एक बड़ा विवाद स्पीच हो गया है। दरअसल बॉलीवुड के स्टार सिंगर कैलाश खेर ने लखनऊ के बीबीजी प्रोग्राम के दौरान आयोजकों पर जमकर अपना गुस्सा उतारा है। उन्हें जमकर लताड़ लगाई गई। कैलाश खेर ने तीखे अंदाज में कहा कि होशियारी दिखा रहे हो, तमीज सीखो, एक घंटा हमको इंतजार कराया, क्या है ये खेलो इंडिया, ऐसा होता है, काम तो आता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि खेलो इंडिया तब है जब हम खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे। कैलाश खेर का गुस्सा देखकर वहां पर सभी लोग दंग रह गए। सोशल मीडिया पर भी कुछ ट्वीट सामने आने लगे हैं और ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में तरह तरह के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि एडवांस पेमेंट नहीं मिलने पर इनका गुस्सा निकल रहा है। उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। क्या है ये खेलो इंडिया? खेलो इंडिया तब है जब हम खुश हैं, घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे। इस दुनिया में तमीज सीखो, होशियारी धार रहे हो, कोई किसी को काम करना आता नहीं, अगर बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सर। बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत में संत और सनातन धर्म का विरोध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए हैं और अब मथुरा में भगवान कृष्ण को विराजमान करना है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि अब भागने का नहीं बल्कि सनातनियों के जागने का वक्त है। अब भी नहीं जागे और कार बनकर घर बैठ गए तो आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी। गुजरातियों की तो हर जगह पूंछ है, और गुजरात के आदमी होते ही खतरनाक। अहमदाबाद, अच्छा एक तो गुजरात ऊपर से अहमदाबाद, पूंछो ही मत। अहमदाबाद का एक पायलट हवाई जहाज चढ़ा करके जा रहा था। गुजरात के 40 लोग उस हवाई जहाज में बैठे थे। अब देखना कितने होशियार होते हैं गुजरात के पायलट बेचारा, एक गुजरात का, एक हमारा मध्य प्रदेश का। शोर बहुत हो रहा था हवाई जहाज, गुजरात के लोग आए 10-20 पायलट से, बोले हमें उठिए, बोले क्या, बोले अब हवाई जहाज हम चलाएंगे। तो पायलट बोले अगर आप लोग चलाओगे तो पहले तो नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। गुजरात वाले बोले चाहे जो हो जाए अब हवाई जहाज हम चलाएंगे, क्योंकि हम लोग गुजरात के हैं और हम लोग 40 हैं, तुम दो हो। पायलट भी होशियार था, पायलट बोला एक काम करो, जो शोर हो रहा है ये शोर बंद करवा दो, बंद करवा दोगे हम आपको जो है हवाई जहाज चलाने को दे। 2 मिनट नहीं लगे वो पूरा शोर, 36 पैसेंजर चुप हो गए। पायलट के पास 4 पैसेंजर गुजरात दिया है, बोले देखो साहब चुप है। पायलट बोले और तो सब ठीक है, हवाई जहाज तो चला लेना, पर तुम एक बात बताओ कि तुमने चुप कैसे करा है? गुजरात के लोगों को चुप कराना बड़ा मुश्किल है। बोले हम भी गुजराती हैं, वो चार बोले, बोले क्या, बोले हमने जाके गेट खोल दिया कि प्लेटफॉर्म आ गया है उतर जा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने पिता को याद करके भावुक हो गए। जयंत चौधरी इन दिनों दरअसल समरसता अभियान के तहत गांव-गांव पहुंच रहे हैं और जयंत एक गांव में भाषण के दौरान अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। जयंत आंसू नहीं रोक पाए और इस दौरान वहां मौजूद तमाम लोग भी भावुक हो गए, हालांकि लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। घर में बड़े लोगों का बड़ा योगदान होता है और इसका एहसास तब होता है जब वो लोग नहीं रहते। आप मेरे अपने बड़े हो, मैं आपका संरक्षण लेने आया हूं, मैं चाहता हूं आप आशीर्वाद अपना बनाए रखना। यह आपकी पार्टी है, आपका मुझ पे हक है, आपका इन पे हक है। ये काम ना करें, कोई शिकायत हो तो मुझे बताओ। लेकिन वाकई आज चिंता का सवाल यह है कि हमारी हालत क्या है समाज। किसान को कोई नहीं पूछ रहा,
सरकार कहने को किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जमीन पे धरातल पे तो देखो क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा फसल बीमा योजना बनाएंगे, नई योजना होगी, सबको लाभ मिले, सुरक्षा कवच किसानों को मिलना चाहिए, बहुत अच्छी लगी बात। सच्चाई क्या है, प्रीमियम खा गए, निजी कंपनियों को आगे बढ़ावा दे दिया और अनिवार्यता रखी कि चाहते हो नहीं चाहते हो सीधा प्रीमियम कटेगा। जब शुरुआत योजना 2016 की हुई तो ये इस कानून का इसका स्वरूप था योजना का, और स्थिति यह है कि निजी कंपनियों ने मुनाफा कमा लिया। आज जब किसान की फसल खराब होती है आप क्लेम करके देख लो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कई जिले देश में हैं जहां 100% से ज्यादा जो उनका प्रीमियम है उससे ज्यादा। और बहरूदा से खबर है जहां पर तनोट भारत गैस एजेंसी के नाम से संचालित एक एजेंसी की मनमानी से आम जनता परेशान हो गई है। दरअसल बता दें कि तनोट गैस एजेंसी के मालिक सरेआम सरकारी नियमों के खिलाफ जाकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि गैस टंकी सप्लाई करने के काम में सरकारी नियम के खिलाफ ये काम किया जा रहा है, तो वहीं सिटी के बीचों बीच में इंदौर भोपाल मुख्य मार्ग पर उपभोक्ता को टंकी सप्लाई की जा रही है, जहां तक कि भोजनालय और होटलों में घरेलू यानी कि डोमेस्टिक गैस टंकी खुलेआम बिक रही है। इससे बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। और भोपाल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान बागेश्वर महाराज की सुरक्षा पर भी जानकारी दी। अब दिग्विजय सिंह जी को तो बजरंग दल गुंडा नजर आए गई, पीएफआई तो कभी गुंडा नजर आएगी नहीं उनको, न सिमी गुंडा नजर आएगी, न एचयूटी गुंडा नजर आएगी, जाकिर नायक में उन्हें शांति दूत लगेगा, ये सब लोग उन्हें सज्जन लगते होंगे। पीएफआई इस पे आपने कभी बोलते देखा उनको? जहां भी आप हिंदू या राष्ट्रभक्त संगठनों की बात आएगी वहां जरूर दिग्विजय सिंह बोलते मिलेंगे, कभी पीएफआई पे सिमी पे बोलते ही नहीं मिलेंगे जाकिर नायक पे। आप लाए इसका मतलब है नहीं, ला रहे हैं इसका मतलब बना रहे हैं, और ये प्रदेश की जनता जानती है जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर चलता था, ला और ऑर्डर ले जा, एक का ऑर्डर लाया और दूसरा लाया तो उसको निरस्त कर दिया, पूरे दिन यही काम चलता था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोग। कल ही इस प्रकरण में 153 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। मैं अभी निर्देश दे रहा हूं कि उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है, भ्रम के माध्यम से भय फैलाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ये कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, सब पर कड़ी कार्रवाई होगी, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि न ये पर्चे फेंके। तो सर ये लव जिहाद का बाकी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे आएगा आप सबके सामने आएगा। देखो वो बुजुर्गवार नेता हैं दिग्विजय सिंह कमलनाथ, और उनको कांग्रेस के लोगों ने डबल इंजन कहा है, तो मैं जिनने कहा है उनको बता दूं कि ये कोयले के इंजनों का जमाना अब खत्म हो गया, कोयले के इंजन अब खड़े हो गए हैं सब, इलेक्ट्रिक इंजन देखो अब कैसे विकास का पूरे विश्व के अंदर परचम लहरा रहा है, कैसा पूरा विश्व हमारे मोदी जी का अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद का उद्घाटन करने को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच कहा गया कि हमारे लिए ये गर्व का क्षण है और हम 19 विपक्षी दलों के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के फैसले की घोर निंदा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है हाल ही में, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये फैसला जो है वो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यह बड़ा बयान सामने आया है। पुरुष और राष्ट्रीय नायक और भारत देश के यशस्वी वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब द्वारा लोकशाही के मंदिर समान संसद भवन का तारीख 28 को लोकार्पण होने जा रहा है वो हमारे सब के लिए गौरवपूर्ण घटना है। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े दल 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की घोर निंदा
करते हैं। सर्वविदित है कि 28 मई रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ये महज अपमानजनक फैसला नहीं बल्कि इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। लोकतंत्र में सांसद एक पवित्र संस्था है। लोकतंत्र के दिल की जीवंत धड़कन यही देश के उन नीतियों पर फैसला होता है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, मूल्य की नियति बदलती है, मुल्क की नियत बदलती है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर और अपमान महज बौद्धिक दिवालियापन नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य की मूल आत्मा और मर्यादा का उदाराघात है। अफसोस की बात है कि तिरस्कार और बहिष्कार की यह घटना पहली नहीं है। पिछले 9 सालों में देखें तो इन्हीं विपक्षों की दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रिया और नियमों का अवमान किया है। और अब आपको बता दें कि देश में नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो 28 मई को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस कार्य के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। इसकी लागत करीब 861 करोड़ रुपए आंकी गई थी। हालांकि बाद में इसके निर्माण कार्य की जो कीमत है बढ़कर के 1200 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का एक पल मानते हुए जश्न मना रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 15 दल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं, जबकि कांग्रेस ने मोदी से नई संसद का उद्घाटन कराने का विरोध करते हुए इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। 20 अन्य विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। उनका यह कहना है कि यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न करा के उनके पद का अपमान कर रही है। देहरादून से खबर है जहां अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से लोगों को चेताया है कि प्रदेश में अतिक्रमण पर चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खुद से अतिक्रमण हटाने वालों को सीएम ने उनका आभार भी जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण खुद हटाएं या फिर कार्रवाई होगी। अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर लगातार जारी है और अब तक करीब 350 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। और देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीजों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें। और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करेगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजनौर के गांव हेमपुर प्रथ्या का दौरा किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां पहुंचे थे। बताया गया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एमएलसी अशोक कटारिया के गांव में भंडारे में शामिल होने के लिए पहुंचे। इनके अलावा यहां पर कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। और दतिया से खबर है जहां जिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती एक युवती मरीज के साथ पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा अभद्रता किए जाने का आरोप सामने आया है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जहां पर जो नर्स है स्टाफ की वो उनके साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रही है। यहां आपको बता दें कि प्रीति सेन नाम की ये महिला है जो जिला अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती थी। उसे सुबह ही शिफ्ट किया गया और शिफ्ट में तैनात किसी नर्स ने लापरवाही के तरीके से उसे इंजेक्शन लगाया जिससे उसका हाथ सूज गया। इसकी शिकायत जब महिला स्टाफ से की गई, नर्सेस से की गई, तो उन्होंने महिला से अभद्रतापूर्ण भाषा का उपयोग करते हुए अभद्रता करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हाथ में लगी उस स्वेलिंग को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। क्या करी, मुंह नीचे करो। मैं प्रीति सेन है और महिला वार्ड में 3री मंजिल पर भर्ती थी। आज सुबह की शिफ्ट में जो कुछ नर्सें आई मुझे बुरी तरीके से इंजेक्शन लगाया जिसके कारण पूरे हाथ पे सूजन आ चुकी है। हम बोल रहे हैं घबराहट हो रही है। उसके बावजूद ही बोल रहे हैं तुम मरी तो नहीं हो, जब मर जाओगी तब शिकायत करने जाना। हमने कहा आप किस तरीके से पेश आ रही हो, तो वो सारे के सारे हमारे ऊपर
लड़ने लगे, बोले जाओ तो मरी तो नहीं हो, और हमने कहा हमें सूजन आ रही है, आप सिस्टर में घबराहट हो रही है मानो तो, उसके बावजूद भी मेरा हाथ सूखता जा रहा है, उसके बावजूद भी सिस्टर मानी नहीं, उसके बावजूद भी उस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।